नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबर। आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में खचाखच भरे पंडाल में बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ताओं की एक रैली देवरपुर बुढ़नपुर में स्थित एक मैरिज हॉल में संपन्न हुई, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अतरौलिया विधानसभा के डॉक्टर सरोज पांडे को प्रभारी घोषित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सेक्रेटरी प्रभारी आजमगढ़ हरिश्चंद्र गौतम, संचालन जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शमसुद्दीन रैन, मुख्य सेक्रेटरी प्रभारी गोरखपुर एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहे। खचाखच भरे पंडाल में भीषण गर्मी के बाद 10,000 की संख्या में लोग इस रैली में मौजूद रहे। कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर सरोज पांडे ने कहा कि मैं भी किसान और गरीब परिवार से हूँ, गरीब का दुख दर्द समझता हूँ, 30 साल से जनहित के कार्य में लगा हूँ। अतरौलिया विधानसभा के लोग मेरे परिवार हैं, एक सेवक के संरक्षक के रूप में 24 घंटे में लोगों की सेवा में रहूंगा। उन्होंने आए हुए अतिथियों का आभार जताया। आइए सुनाते हैं कि मुख्य अतिथि शमसुद्दीन रैन, मुख्य सेक्टर प्रभारी ने क्या कुछ कहा। देखिए, हमारा संगठन हमेशा तैयार रहता है। हम लोग बस केवल संगठन की समीक्षा करते रहते हैं। हमारा वर्कर अपने नेता के आदेश को नीचे तक हम लोग इम्प्लीमेंट कराते हैं, उनके आदेश को, और संगठन पूरा मजबूत है। कभी भी अगर चुनाव हो जाए हमारा संगठन मजबूत है। पूर्वांचल में देखा गया कि कभी आजमगढ़ कहा जाता था, कहाँ कमी रह गई? हमने आपको बताया मंच के माध्यम से, 2017 में एवीएम की कमी रह गई थी। बाकी एवीएम अगर हमारा साथ दे देता और तो सरकार फिर दोबारा बनती है। आपके साथी साथ छोड़ कर जा रहे हैं? देखिए, ऐसे साथी कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। स्वार्थ का कोई साथी नहीं है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ साथी नहीं, जहाँ साथी है वहाँ स्वार्थ नहीं होता। तो जहाँ स्वार्थ होगा तो वहाँ साथी नहीं होगा, और जहाँ साथी होगा तो वहाँ स्वार्थ नहीं होगा। तो दो चीज़ों में कहीं ना कहीं मिक्स हुआ तभी तो। वाइस का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेंगे आप? वाइस का हमें क्या बताना, मुद्दा तो जनता खुद बता रही है। जनता भी खुद कह रहे हैं कि आप बताइए जनता को क्या चाहिए थे, रोजगार। किसान को क्या चाहिए थे, आय से बड़ी आय बढ़ना चाहिए। किसान भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है। हर धर्म, हर जाति, गुंडा और अपराधी इतने बड़े पैमाने पर अपराधगिरी बढ़ चुकी है, बेलगाम अपराधी हो चुका है कि आज बहन बेटी भी खुलेआम ढूंढने से घबराती है। बहन भाई और परिवार के लोग सोचते हैं अपनी बहन बेटी को कहीं मार्केट नहीं भेजते। तो ये जनता खुद जवाब देने के लिए तैयार करें। वर्तमान सरकार का मुद्दा ये है कि वो अपराध को कंट्रोल कर रही है, माफियाओं गुंडों का कुछ कर रही है। चुनाव आ गया ना, चुनाव आ गया है तो थोड़ा शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, शक्ति दिखा रहे हैं चलना। अभी 4.5 साल तक योगी जी बाहर नहीं निकले। 4 साल से जब 4.5 साल गुजर गई, जब चुनाव करीब आया तो हॉस्पिटल का दौरा करने लगे, रोडों का दौरा करने लगे। अगर यही 4.5 साल पहले जो वादा किया था, अगर रोडों पर निकल जाते तो आज जो कोरोना की जो हाल हुई, हजारों लोग मारे गए जिनको दवाई योगी जी नहीं दे पाए, जिनका इलाज नहीं करा पाए योगी जी, जिनको सिलेंडर नहीं दे पाए योगी जी। उसके बाद जब सारा ख़त्म, यहाँ तक अंतिम संस्कार के लिए जो स्थान होता है, लकड़ी होती है, वो भी नहीं दे पाए। तो अब कहते नहीं है पहले मारो फिर कुछ करो। तो फिर आप खुद समझदार हैं, आप खुद जानते हैं जनता फिर क्या चाहती है। अच्छा, आपने अभी जनता को बताया कि विरोधियों को मारा जाए, अपराधियों को? मैं तो अभी खुद कह रहा हूँ अपराधी कम विरोधी ज़्यादा। इनके जो अपराधी कम है, अगर अपराधी अगर मारे होते अपराध खत्म हो जाता। ये मुख्य विरोधी अपने मार रहे हैं। इसका नमूना पंचायत चुनाव में आपने देखा, कितने बड़े पैमाने पर धांधली कर ली, नॉमिनेशन तक नहीं कर पाया आदमी। ब्लॉक प्रमुख छोटे छोटे चुनाव में, हमारी सरकार में भी चुनाव हुए थे, हमारी सरकार में चुनाव खुल के हुए। और लोकतंत्र का खूब मतलब सम्मान हुआ, लेकिन आज तो लोकतंत्र कहाँ बचा। लोकतंत्र अपमान हो रहा है। जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, समझदार पॉलिटिकल हैं, वो भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र क्या, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है, लोकतंत्र खत्म कर दिया। जी जी, 10 विधानसभाएं। देखिए, अभी हम लोग प्रभारी बना रहे हैं यहाँ पे, जैसे अतरौलिया प्रभारी बनाया है
माने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार यहाँ प्रभारी बनाया गया है। आने वाला जब चुनाव होगा तो इन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाएगा। प्रत्याशी नहीं अभी जब नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो प्रत्याशी कैसे कह सकते हैं आप? इतना तो आप खुद जानते हैं, नोटिफिकेशन जारी होता अभी तो प्रभारी बनाओ, जो इनको प्रभारी बना दो उन्हीं को प्रत्याशी बना दो, ये सिग्नल क्यों दिया जाता है? आप तो खुद इतना जानते हैं। हम तो बस यही संदेश देना चाहते हैं कि वो पांचवी बार बहन जी की सरकार बने जिसमें हर धर्म हर जाति के लोग हर मज़हब के लोग अमन चैन बरकरार रहें, कानून का राज रहें और हर तरीके से अधिकारी से लेकर अपराधी तक, जहां अपराधी की जगह वहां अपराधी बैठे, जहां पहुंचे वहां जहां अधिकारी की जगह अधिकारी काम करे। जब अपराधी अपनी जगह पहुँचता अधिकारी काम करता तो देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अमन चैन बरकरार रहता है, उत्थान होता है, नौजवान गरीब मजदूर किसान सब खुशहाल रहता है, हर धर्म के लोग खुशहाल रहते हैं। यही हम लोग चाहते हैं, यही संदेश देना चाहते हैं, हमारी नेता का भी यही आदेश है और यही उनका पैगाम भी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा पैगाम दो कि सर समाज के लोग भाईचारे से रहें, अमन चैन बरकरार रहे, हमारी सरकार में दंगे फसाद नहीं होते, हमारी सरकार में जाति संघर्ष नहीं होता है, हमारी सरकार बहन बेटी की इज्जत और आबरू हिफाजत से रहती है, हमारी सरकार में हर धर्म और जाति के लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, हमारी सरकार में हर गरीब मजदूर मजलूम को मकान रहने को मिलता है। और क्या चाहिए, हम लोग तो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, अमन चैन से रखना चाहते हैं प्रदेश की जनता। सर एक और अभी चर्चा हो रही थी, अचानक आपने कार्यक्रम छोड़ दिया था। देखिए कार्यक्रम भी छोड़ा था वो तो क्या है कि कार्यक्रम हम लोग नहीं छोड़ते हैं, अगर कहीं कोई बाथरूम लग रही है तो कार्यक्रम नहीं छोड़ा था, केवल नीचे तक उतर के गए थे और कोई कार्यक्रम नहीं छोड़ा। कार्यक्रम दो मिनट के अंदर तो आगे आने गए, फोन आ गया। तो आप तो जानते हैं इसको इतने इसमें क्यों दर्शा रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम लिखते हैं आप? राजीव। राजीव भाई,